हेलो गाइस, आई एम सी एस सत्य रंजन स्वाई। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। तो हम इस टाइम ऑफ सप्लाई में देखेंगे कब टैक्स लगेगा, एक्चुअल टाइम कब है जब टैक्स लगेगा। तो उसमें देखेंगे दो सेक्शन, एक सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13। तो सेक्शन नंबर 12 गुड्स के लिए, सेक्शन नंबर 13 सर्विस के लिए। तो पहले नॉर्मल केस में देखेंगे, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में देखेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है गुड्स के लिए एंड सर्विस के लिए। तो गुड्स के लिए पहले देखेंगे कि डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। तो पहले देखेंगे कि डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ गुड्स कब होता है, जब डिलीवरी ऑफ गुड्स और रिमूवल ऑफ गुड्स व्हिच एवर इज अर्लियर। तो डेट रिमूवल ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हिच एवर इज अर्लियर उसको बोलते हैं डेट ऑफ इनवॉइस और इनवॉइस बोलते हैं। और डेट ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं, डेट ऑफ एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन दी बैंक अकाउंट व्हिच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ इनवॉइस किसको बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स और रिमूवल ऑफ गुड्स उसको डेट ऑफ इनवॉइस बोलते हैं। और डेट ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं, डेट ऑफ एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन दी बैंक अकाउंट व्हिच एवर इज अर्लियर इसको डेट ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो सर्विस में देखेंगे कि 13 के लिए सेक्शन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस। तो सर्विस के लिए देखेंगे कि अर्लीस्ट ऑफ बोथ, तो जब इनवॉइस इशू विद इन 30 डेज और 45 डेज। तो 30 डेज नॉर्मल केस और 45 डेज बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए। तब इनवॉइस ऑलरेडी इशू 30 और 45 डेज, देन डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट सेम ही है, डेट ऑफ एंट्री इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट और क्रेडिट इन दी बैंक अकाउंट व्हिच एवर इज अर्लियर और डेट ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर इज अर्लियर। एंड यदि 30 डेज और 45 डेज में इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो तब देखेंगे कि प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। तो गुड्स के लिए डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। सर्विस के लिए यदि इनवॉइस 30 डेज और 45 डेज अंदर इशू हुआ है तो उस समय देखेंगे कि डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। यदि 30 डेज और 45 डेज में इशू नहीं हुआ है तो तब देखेंगे प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद दिया है कि जब एडवांस हम रिसीव करते हैं उस समय हम डेट ऑफ इन्वेस्ट लेंगे। जब एडवांस रिसीव करेंगे उस समय डेट ऑफ इन्वेस्ट लेंगे। और यदि हम 1000 से कम अप टू 1000 हम यदि रिसीव करते हैं तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इन्वेस्ट लेंगे। यदि इवेंट हमको पता नहीं चल रहा है तो उसका डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो इन्वेस्ट ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई इनके सब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आरसीएम के टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स के लिए एंड सर्विस के लिए। तो गुड्स के लिए 3 डेट को आपको कंपेयर करना पड़ेगा। पहला है डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, दूसरा है डेट ऑफ पेमेंट, तीसरा है 35 डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो 3 डेट क्या क्या है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, 35 डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट सर्विस के लिए क्या है, सर्विस के लिए 2 डेट क्या है, पहला है डेट ऑफ पेमेंट एंड दूसरा है 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो सर्विस के लिए 2 डेट व्हिच एवर इज अर्लियर क्या है, डेट ऑफ पेमेंट और 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के टाइम क्या क्या है, गुड्स के लिए है डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स एंड 35 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर इज अर्लियर। और सर्विस के लिए क्या है, डेट ऑफ पेमेंट एंड 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर इज अर्लियर। यदि सेम यदि हमको इवेंट पता नहीं चल रहा है तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हम उसको लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट यदि इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज, यदि हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज से तो तब देखते हैं कि डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। जब हम इंपोर्ट करते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज से तब देखेंगे कि डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट वाउचर के केस में देखेंगे वाउचर में क्या होगा, तब देखेंगे वाउचर के डेट आइडेंटिफिकेबल है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, यदि वाउचर के डेट आइडेंटिफिकेबल नहीं है देन डेट ऑफ रिडीम्पशन ऑफ वाउचर। तो वाउचर के केस में देखेंगे कि यदि डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर आइडेंटिफिकेबल है तब डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, यदि वाउचर के डेट आइडेंटिफिकेबल नहीं है तो तब डेट ऑफ रिडीम्पशन ऑफ वाउचर देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे रेसिडुअल केस, नेक्स्ट कुछ रेसिडुअल केस देखेंगे। यदि कोई भी अभाव कोई भी पॉइंट में नहीं आया है, कोई भी पॉइंट पता नहीं चल रहा है तो तब देखेंगे कि रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। यदि रिटर्न फाइल किया है तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, यदि वो भी नहीं किया है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो यदि अबव केस में नहीं फॉल करता है, कोई भी इवेंट नहीं किया है तो देखेंगे कि रेसिडुअल केस में देखेंगे वो फाइलिंग किया है या नहीं किया है। यदि फाइलिंग किया है तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई, यदि फाइलिंग नहीं किया है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट जब हम कोई पेनल्टी और एडिशनल अमाउंट और लेट फी और इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो तब टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ रिसीव ऑफ सच एडिशनल अमाउंट। जब कोई भी एडिशनल अमाउंट रिसीव करते हैं सच एज पेनल्टी, लेट फी, इंटरेस्ट, तो तब जो भी एडिशनल फी रिसीव करते हैं जिस दिन, उस दिन को हम डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। यहाँ पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लीट हुआ, तो मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपके पास, आप पढ़ाई जोर शोर से कर लीजिए तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। चलो।